मैं हूं गौरव और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कोडन बायोलॉजी में। ICMR का एग्जाम डेट आ गया है, 12 सितंबर को है। इसका फॉर्म भी आ गया है, फॉर्म का डेट अभी है 31 जुलाई तक है, आप इसको भर सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट 2 मंथ में आपको कैसे जो है ICMR का प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहले तो सिलेबस रिव्यू करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको अलग कर लेना चाहिए कि किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट, आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं उस दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ऑनलाइन जो है स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को और ये 31 जुलाई तक चलेगा। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म सबमिशन नहीं किया है तो आप कर लीजिए जल्दी से, इसके वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि डेट का अनाउंसमेंट हुआ है, 12 तारीख संडे है और उसी दिन 3 से 4:30 बजे के बीच में इसका एग्जाम है, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। नेक्स्ट जो समय है हम लोगों के पास उसमें कैसे प्रिपरेशन करें, तो ज़्यादा समय बचा हुआ है नहीं, क्योंकि आज देखिए 16 तारीख हो गया, यानी कि आपके पास ये बिल्कुल भी समय जुलाई का अब नहीं बचा। अब आपके पास समय बचा यहाँ से, और यहाँ से अगर आप 12 सितंबर तक चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास मुश्किल से 53 दिन है, 50 दिन मान के चलिए, जिसमें से 10 दिन आपको फिर रिविजन के लिए चाहिए। 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच आपका सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है, वही आप कर सकते हैं। और इधर 1-2 दिन हॉलीडे भी है, ओणम वगैरह है, तो मिला जुला के समझिए कि आपके पास 40 डेज हैं पढ़ने के लिए। और अब इस 40 दिन का अच्छे से यूटिलाइजेशन अपना पढ़ाई में करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है। अब कोई अगर चाहते हैं कि मॉक टेस्ट अटेंड करें या कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जैसे कि ICMR में आने वाला है, तो हमने कोडन बायोलॉजी ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसमें 25 टेस्ट हैं टोटल, जिसमें से 10 टॉपिक ए के लिए क्वेश्चंस टॉपिक वाइज है और 10 टेस्ट जो है वो सेक्शन बी के लिए टॉपिक वाइज है और 5 मॉक टेस्ट हैं जिसमें से पूरा सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। तो इस नेक्स्ट 40 दिन में जो है आपको पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लेना है, देख लेना है सब कुछ, और उस हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के लिए और सेक्शन बी के लिए जो आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और 1 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आपका यही होगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करें, यही बेस्ट वे है। ऐसे कोडन बायोलॉजी में ICMR के अलावा CSIR, DBT, ICAR, GATE, XLNBT जो लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी है, दोनों के लिए यहाँ पे मटेरियल उपलब्ध होते हैं और यहाँ पढ़ाया भी जाता है। तो बस भरोसा रखना है, तैयारी करना है। और हम लोग तैयारी भी कब करते हैं, जब एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाता है और डेट निकल जाता है, इससे पहले हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। तो अभी डेट आ गया है और इसका फॉर्म भी आ गया है, तो इसको भरिए, एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, तो इतने ही दिन में हम लोग तैयारी कर लेते हैं, है ना। तो शुरू कर देना पड़ेगा, अभी तभी कर सकते हैं, है ना। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है कोडन बायोलॉजी का, उसका फी भी बहुत कम है और ये पहली बार है कि कोडन बायोलॉजी इतनी कम फी में कंप्लीट टेस्ट सीरीज निकाल रही है, सिर्फ 2000 के लिए है। और चूंकि अभी स्टेम एजुकेशन के तहत लड़कियों को प्रमोट किया जा रहा है तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और भी कम है, 25% ऑफ है, तो गर्ल्स कैंडिडेट को और भी कम लगेगा इसमें। तो आप हम इससे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यही व्हाट्सअप है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है 12 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया गया था और 12 जुलाई से ये लास्ट बैच है। एक्चुअली 2 बैच पहले से ही रन हो रही थी, 2 महीने पहले से, ये लास्ट बैच है जो 12 जुलाई को शुरू हुआ था और अभी इसमें 3 टेस्ट हुए हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जहाँ से टेस्ट जो ख़त्म हो गया या नहीं मिला वो आपको नहीं मिलेगा, आप जब से ज्वाइन करेंगे आपको उसी समय से आपको अपना रूटीन मिलेगा और आपको अपना टेस्ट का टाइम मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो हम लोगों के टेस्ट में वो ये है कि टेस्ट का जो एनालिसिस हम लोग देते हैं, जब आप क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है, बेहतरीन इन द सेंस ऑफ कि आप एक एक क्वेश्चन पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चन पे कितना समय दिया है और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है, किस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दिया और गलत हो गया या कम समय दिया गलत हो गया, कौन सा क्वेश्चन आपको तुरंत टच करना चाहिए, आपका किस में कमांड है, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं वहाँ से। और एक डेमो टेस्ट भी है जो कि लिंक में दिया हुआ है, अगर आप डेमो टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाइए और डेमो टेस्ट देकर देखिए कि कैसा इसका एनालिसिस है और कैसा इसका प्रीव्यू है। प्रीव्यू भी वैसा ही है, टेस्ट का ऑनलाइन है CBT मोड में, जैसा ICMR का एग्जाम होता है सेम टू सेम यहाँ का भी टेस्ट है, आप उसी तरह से आपको फील हो जाएगा एग्जाम का, आप एग्जाम दे रहे हैं।
तो आपको पोनो मैलेजी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हमने आपके लिए कुछ टिप्स रखे हैं, कुछ 8 टिप्स हैं जिससे कि आपको घर में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से, उसके बारे में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंजॉय द वीडियो।